सामने करना ये है, यहाँ पर एक बटन लगा रहे हैं, उस पर क्लिक करें, एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो, उसमें हम बिल नंबर लिखें, ठीक है, इंटर करें, और डाटा सारा इनमें आ जाए, जो भी डाटा ना उस बिल का पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं गेट डेटा, और इसका इवेंट कॉपी किया, तो इवेंट भी साथ है, कॉपी हो गया, इसको चेंज खत्म करके ना दोबारा बना लूँगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे क्या करें, हम कोड लिखेंगे जो भी। अब देखो यहाँ से डाटा जो आएगा हमारा, डाटा हमें दो टेबल में दिया था, एक में था एक से ज़्यादा 12 ऐसे, और एक था सिंपल। अब जो एक से ज़्यादा 12 वाला है, तो हमें डाटा ले के जब आना है कहीं से, तो हमें क्या होगा, वेरिएबल में तो नहीं आ सकता ना, वेरिएबल में तो क्या आती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बना के उसमें डाटा लेके आएंगे, लिस्ट में तो हम डाटा एक से ज़्यादा बार डाल देते हैं, और क्या करेंगे, जितने वो होगा उसको लूप लगा के वापस ग्रेड व्यू को दे सकते हैं, जितनी भी रोज होंगी उसमें। क्या करते हैं, सबसे पहले ही ना यहाँ से हम एक क्लास बना देते हैं खुद से, इसका नाम बना देते हैं बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। वैसे ना इस चीज़ का मतलब है कि हम जो जो क्लासेस बनाते हैं ना खुद से, इस तरह का नाम देते हैं उनको, कि जो हमारे प्रोजेक्ट में क्या होंगे, सिर्फ उनके वेरिएबल यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमने लिस्ट बनानी है, जो आपको सिंपल लिस्ट पढ़ाई गई ना पहले कंसोल में, वो थी स्ट्रिंग टाइप इंटीजर, उसमें क्या जाता था, सिर्फ स्ट्रिंग का डेटा जाता था या इंटीजर में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि वेरिएबल, जिस तरह ये कॉलम आ रहे हैं ना, 5 6 जितने भी हैं, डिटेल वाले टेबल में प्रोडक्ट आईडी हो गया, स्टॉक आईडी हो गया, ठीक है, उसका क्वांटिटी प्राइस और टोटल। अब ये नेम है जैसे, या इसमें कोई डेट है, हो सकती है अगर इसमें नहीं है तो क्या होगा,
हम लिस्ट में सेव नहीं करा सकते क्योंकि उसकी डेटा टाइप वगैरह हम क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग ही रख दें या इंट रख दें या डेट कोई भी रख दें, तो डाटा एक ही तरह आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, उसमें ना यही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, 5-6 जितने भी हैं, और लिस्ट की टाइप क्या बना देते हैं वो क्लास में। ठीक, अब वो लिस्ट यानी कि उस क्लास में जिस तरह के वेरिएबल होंगे ना उस तरह का डाटा लेके वो जा सकती है, समझ आई? यानी पहले क्या था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होता था, वो स्ट्रिंग वाला डाटा ही जाता था। आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे देंगे वहाँ पे लिस्ट को, तो वो किस तरह का डाटा लेके जाएगी, जिस तरह के वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर होंगे उसमें, चाहे आप जो भी डाटा टाइप रख लो, 5-6 डाटा टाइप जो उस वाले जितने भी, वो सब की सब उस लिस्ट में डाटा लेके जाएगी। इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, पब्लिक,